quite good. And should I talk about your kissing scene? लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और जो मेरा जो रोल है वो इसमें लोगों को चौंका देगा, इस बार हंसाऊंगी नहीं. इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, लोग देखेंगे तो सोच सकेंगे कि मैं ऐसा भी रोल कर सकती हूँ, और डिफरेंट तरीका किरदार निभाने का मौका मिला. And I'm thankful to Mr. Naveen Batra and my producer Mr. Prem Gupta and Ravi. And it was a lovely experience working in Fiji. And let's talk about your kissing scene now. Over to Prem ji. सबसे मेरा अच्छा कितने रहा, अच्छे फिल्म थे, सब थे, सबके साथ अच्छा काम किया. मेरा ये सुपर मॉडल, नाम भी सुपर मॉडल है, इस चीज़ आपसे सुपर मॉडल. थैंक यू. बस लव यू ऑल. पहले जो म्यूजिक क्रिएशन का इस फिल्म का एक कहते हैं कि किसी भी फिल्म में एक मजबूत हिस्सा होता है म्यूजिक. जो मेरी क्रिएटिव टीम थी जिसमें तरन्नुम मलिक सुपर मॉडल ट्रैक गाया, शी इज रियली ऑसम. क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्दे के पीछे इतना अच्छा काम करते हैं, दे शुड कम आउट एंड यू नो स्टैंड आउट. तो शी इज़ वन ऑफ देम. जो बहुत अच्छी बात रही इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में वो ये थी कि जो रवि अहलावत हैं जो प्रोड्यूस कर रहे थे इस फिल्म को, और नवीन बत्रा, हम लोगों की बहुत पुरानी एसोसिएशन थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी. जिस तरह का म्यूजिक मैंने कहा कि बॉस कुछ ऐसा म्यूजिक डिज़ाइन करते हैं कि जो फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करे. एंड लकीली इट हैपेंड. बहुत जल्दी म्यूजिक आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह का म्यूजिक क्रिएट हुआ, और ये टीम वर्क से ही होता है. और वीना ने उस म्यूजिक को नेक्स्ट लेवल दिया, बिकॉज ये ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन होता है. मैंने 100+ एल्बम्स किए, उन सब एल्बम्स में यही होता था कि एक अच्छा गाना बनाए और उसको एक अच्छी तरह से विजुलाइज हो, और अच्छी एक्ट्रेस जिस तरीके से निभाए, और ये सब अच्छा. फाइनली वी आर ऑन द स्टेज ऑफ रिलीजिंग द स्टफ. Hope for the best. God is great and kind. Now over to Naveen Batra, who is directing and the captain of the ship. हम लोगों ने एक पोस्टर डिजाइन किया आज से 2 महीने पहले, जब फिल्म का शूटिंग चल रहा था. तो पोस्टर हमारा कॉपी किया गया है नशा फिल्म से, तो उसका कॉपी हमारे पास है, फेसबुक के पोस्ट हमारे पास है, उसके डेट का प्रूफ हमारे पास है. मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए. वहाँ कहाँ लगाएगा सर? वो हमें से कई हमेशा हमारे साथ है, और वो हमेशा हर नए आने वाले अदाकार और हर शख्स का इंस्पिरेशन रहेगा. राजेश खन्ना जी रोलिंग ना सुपर मॉडल, जैसे कि टाइटल से आप देख रहे हैं, इस स्टोरी ऑफ अ सुपर मॉडल. मगर वो सुपर मॉडल जो एक वक्त में एक आम सी लड़की थी, जो एक वक्त में कुछ नहीं थी, और एक वक्त में वो करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाती है. दैट इज द स्टोरी ऑफ सुपर मॉडल. इस प्रोमो को देखकर सुपर मॉडल जो नाम है, इस नाम से रिलेशन कहीं ना कहीं फैशन मूवी का होता है, हीरोइन मूवी का होता है, तो आप इसके बारे में क्या यही देखा देखी बना है या समझ रहे हैं? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फैशन फिल्म और हीरोइन फिल्म यकीनन हमारी इस इंडस्ट्री का हिस्सा थी, जिसमें ये दिखाया गया है कि इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोग जो अपने सपने सजा कर आते हैं, ख़ासतौर पर लड़कियाँ, मगर उनमें किस कदर लड़कियाँ कामयाब होती हैं, और कामयाबी के लिए आपको कितनी मुश्किल राहों से गुजरना पड़ता है. ऑफ कोर्स दैट वाज द स्टोरी ऑफ
somehow फैशन की और हीरोइन की. मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सुपर मॉडल यकीनन फैशन या हीरोइन जैसी फिल्म तो नहीं है, मगर सुपर मॉडल भी फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा है. एक लड़की जो कि आम सी लड़की है और किस तरह से वो सुपर मॉडल बनती है, यकीनन एक ही तरह की एक जैसी कहानियां तो नहीं है, मगर एक ही तरह की ज़रूर है. इवेंट के पहले दिन ही आपने कहा कि आपका जो लोगो है, आपका पोस्टर है, वो नशा मूवी ने चुरा लिया है, उन्होंने कॉपी किया है. आपको जब कॉपी किया जाता है व्हेन यू आर अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. और चंद दिन पहले हमने सुपर मॉडल के पोस्टर्स आज से आई थिंक कम से कम 6 महीना पहले शूट किए थे. और चंद दिन पहले नवीन जी और मेरे पूरे टीम के ज़रिए से मुझे पता चला कि हमारे पोस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी कॉपी हो चुके हैं. तो आई थिंक आपको जब कोई कॉपी करता है, दैट इज़ द साइन दैट यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू दोज पीपल एंड इट्स पॉजिटिव. आई थिंक सुपर मॉडल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड है, और जब आप फैशन वर्ल्ड का हिस्सा होते हैं बिकीनी उसका ऑटोमेटिकली हिस्सा होती है. लिहाजा सुपर मॉडल में बिकीनीज इसलिए नहीं पहने गए हैं कि मुझे कोई बिकीनी पहनने का शौक है. हाँ, स्क्रीन पे शायद मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकीनी पहनने में, लेकिन क्योंकि सुपर मॉडल की कहानी जिस तरह से है उसका हिस्सा थी बिकीनीज, और सबसे ज़्यादा बिकीनीज मैं आपको मैं सुपर मॉडल में दिखूंगी. मगर सुपर मॉडल के बाद आई हैव डिसाइडेड नॉट टू वेयर बिकीनीज एनीमोर. और आई थिंक दैट्स द ओनली विल फिल्म प्रॉब्ली यू कैन सी मी एज मैनी एज 7 बिकीनीज. जैकी श्रॉफ साहब यकीनन इस फिल्म का हिस्सा हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि जैकी श्रॉफ साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. बट जहाँ तक ऑफकोर्स आई एम नॉट इन टच विद एशमिथ और आई डोंट हैव एनी वर्किंग लाइक टॉकिंग टर्म्स विद हिम, सो आई कॉन्ट टेल वाई ही डिड नॉट कम. बट आई थिंक द टाइटल इज से सुपर मॉडल एंड द टाइटल एक्टर इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू गाइस, सो आई थिंक दैट शुड बी ओके. आप एक वक्त में दोस्त होते हैं, फिर आप के टॉकिंग टर्म्स नहीं होते हैं. सो आई थिंक रियलिटी इज़ कम अबेश लाइक फिल्म. इट्स फाइन, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी दोस्ती होती है, बहुत सारे लोगों के साथ आप नहीं चल पाते हैं, एंड आई थिंक आई एम प्रिटी ओके विद दैट. आपने जैसे कि बताया कि पोस्टर आपका कॉपी कर लिया गया, आपको बहुत वक्त पहले पता चल चुका था कि आपका पोस्टर कॉपी कर लिया है, तो आपने पहले कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्यों नहीं बुलाई? नो नो, आई थिंक दिस लॉन्च इज नॉट बिकॉज कि हमारा पोस्टर कॉपी हुआ है. आज का लॉन्च क्योंकि हमें आपको फर्स्ट लुक दिखाना था सुपर मॉडल का, एंड वी वॉन्टेड यू गाइज टू नो, क्योंकि अब फिल्म रिलीज के बहुत करीब है. और ऐसा नहीं है कि हो सकता है बहुत सारी और चीज़ें भी हमारी फिल्म के कॉपी हो जाएं, बट दैट डज नॉट मीन कि उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फॉर श्योर. हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है कि आप देखें कि हमारे फिल्म का लुक कैसा है. इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स, सितंबर में उम्मीद है, लेकिन आई थिंक फाइनल डेट क्या होगी वो प्रोड्यूसर वुड बी एबल टू टेल यू. ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिक. आई थिंक एक गाना ऐसा है, तुझसे अलग तुझसे जुदा कैसे जीऊंगी तू ही बता. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ये एक ऐसा गाना है जिसको सुन के मेरा तो बहुत रोने का मन करता है, बिकॉज इट्स अ लवली सॉन्ग. इसके अलावा एक मिका जी ने गाना गाया, दैट्स वेरी पैपी हैपनिंग और मस्ती भरा गाना है, जैसे मिका जी हैं. इट्स अ रॉकिंग सॉन्ग एंड इट्स गोइंग टू रॉक यू नो लाइक ऑल द डिस्क एंड डांस फ्लोर्स. उसके अलावा एक टाइटल जो ट्रैक है सुपर मॉडल, आई थिंक हमारे म्यूजिशंस ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है. द टाइटल ऑफ सुपर मॉडल इज ऑल्सो अमेजिंग, सो आई थिंक वी हैव 3 सॉन्ग्स. एक गाना अभी हम शूट करने वाले हैं सुपर मॉडल का, एंड ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी ब्यूटिफुल. हमने इस फिल्म को शूट किया है फीजी में, और एक गाना इस फिल्म का हम शूट करेंगे मुंबई में. आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राजेश खन्ना जी का सालगिरह है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके रोल मॉडल भी आपने एक बार शायद कहा था कि वो हैं. देखिए, राजेश खन्ना साहब उन नामों में से एक नाम है जो कि ना सिर्फ लेजेंड है
हमारे इंडस्ट्री के, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत है, उनकी उनका जो करिश्मा था और उनका जो एग्जिस्टेंस था इंडस्ट्री में वो इतना करिश्मेटिक था कि इस तरह के लोग कभी जाके भी जाते नहीं हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं। सो राजेश खन्ना साहब जो है उनको हमने कभी सोचा ही नहीं है कि वो हमारे पास से चले गए हैं। ही वॉज नॉट ओनली एन एक्टर, ही इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर ऑल ऑफ अस, मेरे लिए और आने वाली प्रॉब्ली आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स के लिए। सो राजेश खन्ना जी स्टिल विद अस, थैंक यू।